वेलकम डियर रॉकर्स, आज मैं आप लोगों को 2019 की एक कॉमेडी हॉरर मिस्ट्री फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विवारियम। मूवी की शुरुआत होती है कोयल बर्ड के जीवन चक्र से। ये बर्ड दूसरे बर्ड के घोंसले में अपना एग डाल देती है और फिर वो बच्चे दूसरे बच्चों को उस घोंसले में से गिरा देते हैं, जिससे दूसरे बर्ड सिर्फ उन्हीं को खिला सके। दूसरी तरफ एक प्राइमरी स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस जेमा एक क्लास में बच्चों की देखरेख करती रहती है। कुछ टाइम बाद जब क्लास खत्म होती है, तभी एक बच्चे की माँ मिस जेमा से मिलती है और पूछती है कि नए घर की खोज कैसे चल रही है। जेमा कहती है कि खोज तो चल रही है और बहुत ही जल्दी हम एक प्रॉपर्टी एजेंट से भी मिलेंगे। उस लेडी के चले जाने के बाद जेमा देखती है कि उसकी एक स्टूडेंट जमीन पर नजर गड़ाए हुए कुछ देख रही है। जेमा उसके पास आती है और जमीन पर कुछ मरवी बर्ड्स को देखती है। वो बच्ची उससे पूछती है कि इन बर्ड्स को किसने मारा होगा। फिर जेमा उसको कोयल की कहानी बताती है और बच्ची पूछती है कि मैम, कोयल अपना घोंसला क्यों नहीं बनाती। जेमा बोलती है कि प्रकृति इसी तरह चलती है और सारी चीजें प्रकृति के अनुसार ही चलती हैं। बच्ची को ये चीज बहुत ही भयानक लगती है। फिर वो अपनी माँ के बुलाने पर वहाँ से चली भी जाती है। तभी जेमा के पास एक पेड़ में से कुछ फनी आवाज आती है और वो उसको अपने पास आने को बोलती है। तभी पता चलता है कि पेड़ से टॉम नीचे उतरता है, जो कि एक असिस्टेंट है और जेमा का बॉयफ्रेंड भी है। जेमा को हेलो बोलने के बाद वो जमीन पर उन मरवी बर्ड्स को देखता है और फिर उन्हें दफनाने जाता है। टॉम अपना सारा टूल्स कार में रखता है। तभी जेमा उसको अपनी टी शर्ट चेंज करने को कहती है, क्योंकि वो काफी स्मेल कर रही होती है। टॉम अपनी टी शर्ट चेंज करके जेमा के साथ फिर अपनी कार में प्रॉपर्टी एजेंट से मिलने जाता है। एजेंसी तो बिल्कुल क्लीन और व्यवस्थित दिखती है, लेकिन मॉडल के सारे घर एक जैसे दिखते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही एजेंट होता है, जिसका नाम है मार्टिन, जो कि जेमा और टॉम की एजेंसी में घुसने पर उनका खूब वेलकम करता है। अपनी पहचान बताते हुए मार्टिन उन्हें योंडर के बारे में बताता है, जो कि अभी एक नया शहर बना है। वो जगह बिल्कुल शांत और एक काफी अच्छी जगह है, साथ ही बहुत सस्ती भी है। जेमा पूछते कि वो कहाँ है, तो मार्टिन बताता है कि वो राइट में है। जेमा को उसका नेचर बहुत पसंद आता है, पर वो समझदार भी लगता है। मार्टिन पूछता है कि आपके पास अपनी गाड़ी है, जिससे आप लोग योंडर तक जा सकें। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो दोनों मान जाते हैं। फिर मार्टिन के कार के पीछे अपनी कार से योंडर पहुंचते हैं, जहां सारे घर बिल्कुल एक ही मॉडल के बने होते हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली यह है कि वहां पर कोई और लोग या उनकी कोई कार भी नहीं है। वो दोनों हाउस नंबर 9 के सामने अपनी कार पार्क करते हैं, जहां मार्टिन पहले से ही उन लोगों का वेट कर रहा होता है। वो उन्हें जल्दी से अंदर आने को कहता है और उनको एक बढ़िया सा नया सजा हुआ घर दिखाता है। और जब वो दोनों किचन में जाते हैं, तो उन्हें फ्रिज से एक बियर की बोतल और स्ट्रॉबेरीज देता है। टॉम और जेमा वो गिफ्ट नहीं लेते, क्योंकि अभी उनको ड्राइव करनी है, इसलिए ये सब कुछ खाना पीना सही नहीं है, जिससे मार्टिन को थोड़ा बुरा भी लग जाता है। फिर मार्टिन उन्हें ऊपर लेकर जाता है, जहां एक ब्लू पेंट की भी नर्सरी होती है। मार्टिन बताता है कि ये घर किराए के लिए नहीं है, इसको आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं। फिर मार्टिन टॉम और जेमा से पूछता है क्या आपके बच्चे भी हैं, तो जेमा बोलती है कि अभी तो नहीं है। और फिर मार्टिन उसके पूरे जेस्चर की नकल करके वही बात दोहराता है। अब ये तीनों मास्टर बेडरूम में जाते हैं, जहां पर दो शर्ट फोल्ड करके बेड पर रखी हुई है। लेकिन मार्टिन उन्हें जल्दी से बाहर गार्डन की तरफ लेके जाता है। अब ये नीचे आते हैं और मार्टिन उन्हें पीछे की तरफ का घर दिखाता है, पर उनके साथ वहाँ बाहर नहीं आता। जेमा और टॉम हर तरफ देखते हैं और उनको काफी अच्छा भी लगता है। फिर वे पड़ोस का घर देखते हैं, जो कि खाली होता है। अब जैसे ही जेमा मार्टिन से पूछती है कि उनके पड़ोसी यहाँ कब शिफ्ट होंगे, तो उससे पता चलता है कि मार्टिन तो वहाँ पर है ही नहीं। वो घर के अंदर आकर देखते हैं और फिर रोड पर भी, लेकिन मार्टिन वहाँ कहीं नहीं होता और ना ही उसकी कार। अब टॉम जेमा से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकल चलो, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है। वे दोनों अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो कहीं खो जाते हैं और बार बार घूमकर उसी हाउस नंबर 9 पर ही आ जाते हैं। फिर बहुत कोशिश करने के बाद टॉम कार चलाता है और जेमा फोन पर रास्ता देखती है, पर दोनों के ही फोन पर कोई सिग्नल नहीं आते। टॉम भी अब कुछ नहीं कर पाता। वे दोनों रात होने तक कार ड्राइव करते हैं और सही रास्ते की खोज करते रहते हैं, लेकिन तभी उनकी कार की गैस खत्म हो जाती है और वो रुक जाती है। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती, इसलिए मजबूरी में वो पूरी रात उस घर में गुजारने का सोचते हैं। बिल्डिंग में घुसते ही वो अपना गिफ्ट उठाते हैं, जो उस समय मार्टिन उनको दे रहा था, जिसमें वो स्ट्रॉबेरीज टेस्ट करते हैं, जिसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। फिर वो अपने इस काम चलाओ डिनर के बाद मास्टर बेडरूम में सोने जाते हैं। तभी जेमा बोलती है कि यहाँ कितनी शांति है, इतनी शांति कभी नहीं देखी। अगली सुबह टॉम स्टेयर्स पर उठता है और रूम के पार देखता है, तो सारे घर एक जैसे ही दिखते हैं। स्टेयर्स के नीचे आने के बाद टॉम अब और कुछ करने की सोचता है। वो सन को फॉलो करते हैं। सारे गार्डन और घेरा पार करने के बाद वो बहुत थक जाते हैं, पर फिर भी चलते रहते हैं। पूरा दिन निकल चुका है, पर रात होने से पहले उन्हें एक घर दिखता है जिसकी लाइट ऑन रहती है। जब वो दोनों घर जाते हैं, तो वहाँ टेबल पर उनकी पिछली रात की स्ट्रॉबेरीज और ग्लास पड़े हुए होते हैं। अब अपने शक को और पक्का करने के लिए वो लोग डोर के पास जाते हैं, जिसपे हाउस 9 लिखा हुआ है, यानी कि वो घूम फिर कर दोबारा उसी घर में आ गए हैं।
इस बार उन्हें रोड पर एक बॉक्स मिलता है जिसे जेमा खोलती है। उसमें उसे कुछ खाने के पैकेट्स मिलते हैं। फिर वो रोड के बीच में जाकर अपने उस मिस्टीरियस एजेंट यानी कि मार्टिन को चिल्ला चिल्लाकर वापस आने को बुलाती है। टॉमस बॉक्स को अंदर लेकर जाता है और उसको फाड़कर अपने लाइटर से जलाता है और फिर सारे पर्दों को जलाकर पूरे घर को जला देता है। अब बाहर जेमा से मिलने के बाद वो उसे बताता है कि वो एक स्मोक का सिग्नल भेज रहा है ताकि कोई इसको देखे और हमको बचाने आ जाए। वो घर को जलते हुए देखते हैं और तभी उन्हें नींद भी आ जाती है। जब वे सुबह उठते हैं तो राख से कवर्ड होते हैं और तभी उन्हें एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। एक और बॉक्स उसके पास रखा होता है। जेमा उसको खोलती है और उसमें एक बच्चा होता है और एक मैसेज कार्ड जिसपे लिखा हुआ है, बच्चे का ख्याल रखो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जेमा उसे उठाती है और टॉम को बताती है कि ये एक लड़का है। सामने से जैसे ही स्मोक हटता है तो वो देखते हैं कि वो घर बिल्कुल पहले जैसा ही है। और अब ऐसे कर करके 98 डेज निकल चुके हैं और घर के रूफ पर हेल्प पेंट किया हुआ है। अब बच्चा टॉम और जेमा की देखरेख में 10 साल का भी हो गया है। सुबह वो टॉम और जेमा का उठने का इंतजार करता है। जब वो उठते हैं तो वो उनकी नकल करता है और फिर वो दोनों की झगड़े की एक्टिंग भी करता है जैसे कि मार्टिन किया करता था। टॉम उसे शैतान और बदमाश कहता है पर बच्चे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उन्हें उसकी हाइट को मार करने को कहता है। अब नीचे जाने के बाद जेमा उसकी हाइट मार करती है जहां देख सकते हैं कि पहले से ही कितने मार्क्स लगे हुए हैं। अब पूरे घर में खेलते हुए बच्चा टॉम और जेमा के पास रुकता है और जेमा से पूछता है कि आप इतनी परेशान क्यों हो। जेमा बोलती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बच्चा पूछता है कि मेरी माँ कौन है, तो जेमा बोलती है कि मुझे क्या पता, भगवान जाने। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है और थोड़े टाइम के बाद उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन टॉम जानता है कि ये लड़का क्यों चिल्ला रहा है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाते हैं। जब तक लड़के का खाना तैयार नहीं हो जाता वो शांत नहीं होता, इसका मतलब वो इसलिए चिल्ला रहा था। फिर वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब खाने के बाद टॉम क्लीन करके सब कुछ एक खाली बॉक्स में डालता है और उसको बाहर रोड पर रख देता है। अब वो दोनों गार्डन में बैठकर इंतजार करते हैं और वो लड़का उनको घूरता रहता है। पर जेमा सोचती है कि ये सब कुछ फालतू है, बड़ा अजीब है, क्योंकि आज तक पता नहीं चल पाया कि ये बॉक्स कौन रख रहा है। अब उस लड़के के घूरने से परेशान होकर जेमा अंदर कॉफी बनाने चली जाती है। तभी टॉम अपनी सिगरेट जलाता है और खत्म करने के बाद उस लड़के पर फेंक देता है, पर सिगरेट उससे टकराकर नीचे गिर जाती है और एक गोलाई में घास को जला देती है। टॉम तुरंत उसको देखता है और अपने कुदाल से वो ग्राउंड खोदने लगता है। तभी उसको वो जगह बहुत ही अलग लगती है। फिर वो अपनी कार में जाता है और अपना सारा टूल्स लेके आता है और वहाँ खोदने लगता है। जेमा पहले तो उसकी हेल्प करती है पर उसे लगता है कि ये सब बेकार है, हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसको सारे टूल्स गायब दिखते हैं। और जब वो लड़के से पूछती है कि तुमने टूल्स देखे क्या, तो वो ना में सिर हिलाता है। अब जेमा वहां से चली जाती है और फिर रात में बेड पर उसका वेट करती है। अब वो टॉम से पूछती है कि तुम पूरा दिन होल क्यों खोदते रहते हो। टॉम कहता है कि हो सकता है कि ये होल हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। अब टॉम शोर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो लड़का उनको देख रहा है। अगली सुबह वो फिर से उसी रूटीन से शुरू करते हैं, पर टॉम ब्रेकफास्ट के बाद अपने काम में लग जाता है। जेमा उसको हेल्प के लिए पूछती है पर वो अकेला काम करना चाहता है, तो जेमा खुद कपड़े धोने चली जाती है। वो लड़का फिर से इधर उधर दौड़ते हुए अपना मनोरंजन करता है। फिर वो टीवी ऑन करता है जिसमें वो अजीब सा कुछ पैटर्न जैसा देख रहा होता है। रात होती है तब जेमा जाकर अपने कार में बैठ जाती है। तभी टॉम भी उसके साथ आकर बैठ जाता है क्योंकि कार में उन्हें कुछ अपना सा लगता है। रिलैक्स करते हुए टॉम का हाथ गलती से रेडियो पर लग जाता है और वो ऑन होता है। तभी वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि कार की बैटरी अभी भी बची होती है और वो दोनों कार के आगे की लाइट ऑन करके मस्त डांस करने लगते हैं। और फिर म्यूजिक की तेज आवाज को सुनकर वो बच्चा भी वहां पर आ जाता है और डांस करने लगता है। तभी उसके हाथ से टॉम को धक्का लग जाता है और टॉम नीचे गिर जाता है। अब टॉम को गुस्सा आता है और टॉम बच्चे को वापस मारता है। अब इससे परेशान होकर टॉम घर के अंदर चला जाता है। वहीं वहां जेमा परेशान होकर उस लड़की को देखती है जो कि अभी भी उस म्यूजिक में डांस कर रहा होता है। कुछ देर बाद जेमा उस लड़के को बेड तक छोड़ के आती है और उसे बोलती है कि प्लीज हमें थोड़ा देर अकेले रहने दो। लड़के को ये सब कुछ समझ में नहीं आता। वो फिर से जेमा को माँ बुलाता है तो जेमा उसको कहती है कि याद रखो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब जेमा के बाहर जाते ही वो लड़का चिल्लाने लगता है। तभी जेमा उसको पकड़ने को आती है और उसको पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। बार बार बोलने के बाद वो शांत हो जाता है और फिर टॉम की नकल उतारने लगता है। अब जेमा को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बकवास कह देती है और वहां से चली जाती है। अब टॉम के पास आने के बाद वो टॉम को किस करना चाहती है पर टॉम उससे माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत थक चुका है। दिन बीतते जाते हैं और उन लोगों का वही सेम रूटीन होता है। टॉम का होल अब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। एक दिन सुबह उसे होल में से एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो और ज्यादा खुदाई करने लगता है। अब एक रात उसे पता चलता है कि ये वही आवाज है जो आवाज उस समय टीवी से आ रही थी जिस समय वो छोटा लड़का टीवी देख रहा था। यानी कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है इसके बीच में। वो दोनों टीवी ऑफ करना चाहते हैं पर लड़का रिमोट वापस लेकर फिर से टीवी ऑन कर देता है।
अब कुछ समझ न आने के बाद वो दोनों वहां से लड़के को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसी सेम बोरिंग रूटीन से परेशान होकर वो उस लड़के का बॉल वॉल पर फेंक देता है और उसको कार में जाकर लॉक कर देता है ताकि वो लड़का अब उनको परेशान न करे और वहीं कार में मर जाए। लेकिन जेमा को लड़के पर दया आती है और वो टॉम से की मांगती है, पर टॉम उसको घर के अंदर पुश करके उसे बोलता है ये अपना बच्चा नहीं है और हमें उसकी कोई केयर नहीं है, ना ही हमको करनी चाहिए। हो सकता है कि अब इसको बचाने यहाँ पर कोई आए, तभी हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर कैसे फंसे हुए हैं। जेमा अब टॉम को पुश करती है और कहती है कि अगर उसे कोई बचाने नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन टॉम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसान है और हो सकता है कि अगर ये मर जाए तो हम दोनों फ्री हो जाएंगे। लेकिन जेमा वेट नहीं कर सकती और वो टॉम से की छीन लेती है और उसको लेकर कार से बाहर निकाल लेती है। अब वो लड़का जेमा के साथ अंदर जाने को रेडी हो जाता है क्योंकि जेमा उससे प्रॉमिस करती है कि अब टॉम तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब एक बार इवनिंग में जेमा लड़के को बेड पर सुलाने लेके जाती है और उसे सपनों के बारे में बताती है क्योंकि उस लड़के ने कभी भी सपने नहीं देखे। अब जेमा और वो लड़का दोनों एक साथ सोते हैं और वो लड़का जेमा को गले लगाता है और टॉम हॉल में ही सो जाता है। अब उस दिन के बाद जेमा और लड़का दोनों टॉम को इग्नोर करते हैं। अब जेमा और वो लड़का एक साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक जाते हैं, पर रात में जेमा अकेली बैठी रहती है और कभी कभी रोती भी है। अब एक दिन सब काम करने के बाद जेमा उस लड़के को बेड से उठाने जाती है पर वो उसे वहां नहीं मिलता। पूरा घर खोजने के बाद वो टॉम से पूछती है तो टॉम कहता है कि मैंने तो पहले उसको देखा नहीं और कहीं देखा भी है तो मैं तुमको बताऊंगा नहीं। फिर जेमा उसको खोजने निकल जाती है और 2 घंटे बाद वो उसको वापस उसी हाउस नंबर 9 के पास ही मिलता है। वो वहां हॉल के पास खड़ा होता है और उसके हाथ में एक बुक भी होती है जिसे जेमा उठा लेती है और रात में पढ़ती है। बुक बहुत सारे सिंबल्स के साथ भरी पड़ी होती है और वही सारे अजीब पैटर्न होते हैं जो कि वो लड़का टीवी पर देखता था, कुछ इंसानों की फोटो और फैमिली और बहुत सारी अजीब चीजें बनी होती हैं। दिखा दें तो टॉम आज भी हॉल में सोता है। जेमा उस लड़के के पास जाती है और पूछती है तुम कहाँ गए थे, तो वो बताता है कि वो एक रहस्य सुलझा रहा है। जेमा उससे पूछती है कि तुमने क्या क्या खोजा, तो वो बताता है कि बहुत सारी चीजें। जेमा आगे पूछती है कि क्या तुम किसी से मिले थे, लड़का हाँ बोलता है पर ये भी कहता है कि मुझे बताने से मना किया गया है। तभी जेमा को एक प्लान सोचता है, वो पूछती है क्या तुम टॉम और डॉग की नकल उतार सकते हो। वो लड़का बहुत अच्छे से करने लगता है। फिर जेमा उसे उसकी नकल करने को बोलती है जिससे वो आज मिला था। तभी वो लड़का चिल्लाने लगता है और टीवी वाली आवाज निकालने लगता है और उसका थॉट भी फूलने लगता है। जेमा बहुत डर जाती है और रोने भी लगती है, बिल्कुल पीछे हट जाती है। लड़का उसे फिर से माँ बुलाता है पर जेमा उसे याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वो सिर्फ उसे घर जाने को बोलती है पर लड़का उसे बेवकूफ कहता है और कहता है मैं तो अपने घर में ही हूँ। कुछ दिन और पास होते हैं और अब घर पे हेल्प की जगह एफ वर्ड लिखा होता है। घर की रूटीन सेम होती है। अब वो लड़का बड़ा एडल्ट हो चुका है और बिल्कुल मार्टिन जैसा दिखता है। जेमा उसके लिए डिनर लेकर आती है और उसे अकेले खाने को छोड़कर चले जाती है। फिर जेमा अपना और टॉम का डिनर लेकर हॉल के पास चले जाती है। तभी टॉम उससे पूछता है तुम क्या सोच रही हो, तो जेमा बताती है कि काश जब वो लड़का बच्चा था हमने उसको तभी मार दिया होता तो कितना अच्छा होता। टॉम भी कहता है कि हाँ मैं तो उसको मारने वाला था पर तुम ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि तुम एक साफ दिल की औरत हो। अब टॉम शावर लेता है और हम देख सकते हैं कि उसे गहरे निशान पड़े हुए हैं जो कि होल खोदने से आए। अब वो बहुत बीमार भी हो गया है और जेमा उसको साफ करने में हेल्प करती है। अगली सुबह वो लड़का अपनी बुक लेकर कहीं जा रहा होता है जो कि उसका डेली रूटीन है, तो इस बार जेमा उसको फॉलो करती है पर वो फिर से कहीं खो जाती है और वहीं हाउस नंबर 9 के पास आ जाती है। टॉम अभी भी होल को खोद रहा है और फाइनली अब उसको कुछ मिलता है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि ये एक वैक्यूम बैग है जिसमें एक बॉडी होती है तो वो चिल्लाकर बिल्कुल डर जाता है। अब वो होल से बाहर निकलता है और जेमा उसको आवाज लगा रही होती है और वो भी उसको वापस से आवाज लगाता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। तभी वो ग्राउंड पर लेट जाता है। तभी जेमा भी टाइम पर वहां पहुंच जाती है और उसको किस देकर खड़ा करती है। अब वो दोनों घर की तरफ जाते हैं पर डोर अंदर से लॉक होता है। टॉम को जमीन पर बैठाकर जब वो विंडो से देखती है तो वो लड़का वहाँ टीवी देख रहा होता है और जेमा की डोर खोलने की आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। अब उनके पास कार में सोने के अलावा और कोई जगह नहीं बची है। कुछ घंटे बाद जब जेमा सोकर उठती है तो वो देखती है कि टॉम की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। वो कार से बाहर आती है तो डोर पर जोर से नॉक करती है। जब वो लड़का घर से बाहर आता है तो वो उससे हेल्प मांगती है पर वो बोलता है कि अब टॉम का टाइम पूरा हो चुका है और ये कहकर वहां से हमेशा की तरह निकल जाता है। जेमा उम्मीद हारने के बाद वहीं बैठी रहती है और टॉम का लास्ट सिगरेट जलाती है। फिर वो दोनों अपनी वो वाली बातें याद करते हैं जब वो मिले थे और सन धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है और जब वो दोनों अपनी आखिरी बात करते हैं तो उसी के साथ टॉम की डेथ हो जाती है। जेमा उसकी बॉडी से चिपक कर बहुत रोती है। फिर इवनिंग में दिखाते हैं तो वो लड़का वापस एक बॉक्स के साथ आता है तो देखता है कि जेमा टॉम की बॉडी पर लेटी हुई है।
जेमा सोकर उठती है तो उस बॉक्स में देखती है तो उसको वही वैक्यूम बैग्स मिलते हैं। वो पीछे हट जाती है बिल्कुल डर के। फिर वो लड़का उस बैग में टॉम की बॉडी को डालता है और उसको उस होल में ही फेंक देता है। जेमा सिर्फ देखती रहती है पर कुछ कर नहीं पाती। अगली सुबह जेमा अपनी कार में छुप जाती है और उस लड़के का वेट करती है कि वो कब घर से बाहर निकले। जब वो बाहर आता है तो जेमा को खोजता है। तभी जेमा मौका देखकर उस पर कुदाल से अटैक कर देती है। लड़के को थोड़ी सी चोट आती है और वो वहां से जल्दी जल्दी भागने लगता है। जेमा भी उसको फॉलो करती है। तभी वो एक रेड पेंटेड हाउस में गिर जाती है जहां पर उससे एक फैमिली सेम अपने जैसे हाल में दिखती है। एक अजीब सा लड़का वहां टीवी देख रहा होता है और एक औरत किचन में रो रही होती है। तभी अचानक फ्लोर उसे स्वेलो कर जाता है और अब वो एक ग्रीन पेंटेड घर में आती है जहां पर एक कपल प्यार कर रहे होते हैं और एक लड़का उनको देखकर ताली बजा रहा होता है। तभी वो दूसरे वॉल में से एक पर्पल बाथरूम में चली जाती है जहां पर वो देखती है कि एक आदमी टब में मरा पड़ा हुआ है। शॉक में वो पीछे आती है। तभी वो स्टेयर से रोल करते हुए हाउस 9 में आ जाती है। वो बाहर जाने की कोशिश करती है पर वहीं गिर जाती है और दर्द से रोने लगती है। तभी अंदर वो लड़का दीवार पर अपनी हाइट के मार्क को पेंट कर रहा होता है और सारे घर में सब चीज बिल्कुल नई बनने लगती है। फिर वो जेमा को उसी वैक्यूम बैग में भरता है और जेमा से बोलता है कि तुम ही मेरी माँ हो और मेरी माँ मर जाती है। अब जेमा बहुत घबरा जाती है और कहती है कि मुझे तो सिर्फ एक घर चाहिए था। तो वो उसको पागल बोलता है और कहता है तुम ऑलरेडी घर में ही हो। जेमा आखिरी बार बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब बिना केयर करे वो लड़का उस वैक्यूम बैग को ड्रैग करके बाहर होल में फेंक देता है जिसे टॉम ने खोदा था और उस पर वो खोदी हुई मिट्टी डाल देता है। उस मिट्टी पर अपने आप घास निकल आती है। फिर वो लड़का जेमा की कार रिफिल करता है और एजेंसी पहुंच जाता है जहां मार्टिन ओल्ड हो चुका होता है। अब मार्टिन उस लड़के को अपना नेम टैग दे देता है और अपनी आखिरी सांस लेता है। फिर वो अपनी शर्ट पर टैग लगाता है और ड्रॉर में से एक वैक्यूम बैग निकालता है। फिर उसमें मार्टिन की बॉडी डालता है और उस पर एक पर्ची लगा देता है। फिर वो उस बॉडी को रोल करके एक बड़े से ड्रॉर में डाल देता है। अब वो लड़का अपने डेस्क पर बैठकर एक नए कपल को अपने ऑफिस में वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी में क्या समझ आया कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मूवी बड़ी हिलाने वाली थी। बाकी अगर आपको ऐसी रहस्यमय मूवीज देखनी है जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देखो ये मूवी जिसका नाम है विना वेट्स फॉर यू। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।